हल्द्वानी में शिफ्ट हो रहे हाईकोर्ट पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की आपत्ति के बाद रामनगर के सामाजिक लोगों के साथ ही अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट रामनगर में बनाना चाहिए। हाईकोर्ट के लिए हर दृष्टिकोण से रामनगर को लोगों ने उचित बताया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि काशीपुर बार एसोसिएशन, देहरादून बार एसोसिएशन, जसपुर बार एसोसिएशन, हरिद्वार और कोटद्वार सभी का इसको लेकर समर्थन है। हल्द्वानी स्थित गोलापार में प्रस्तावित उच्च न्यायालय का प्रस्ताव अस्वीकृत होने के बाद अब रामनगर में हाईकोर्ट की संभावनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय अधिवक्ताओं के अलावा आम जनमानस का मानना है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए रामनगर से बेहतर कोई और स्थान नहीं हो सकता है। गोलापार में भूमि हस्तांतरण में पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दिलचस्पी न दिखाने के बाद अब हाईकोर्ट के लिए बहुमंजिल निर्माण का सुझाव दिए जाने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार रामनगर का दावा भी नैनीताल उच्च न्यायालय के लिए विकल्प के रूप में आ सकता है। स्थानीय लोगों का है ये तर्क। जहां तक उपयुक्त भूमि का सवाल है, रामनगर में आमपोखरा, सावलदे आदि स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध है। रामनगर के बेलवाल स्पिनिंग मिल की भूमि भी एक अच्छा स्थान हो सकता है। इसका स्वामित्व सिडकुल के पास है। रामनगर में हाईकोर्ट स्थापित करने के लिए अधिवक्ता और स्थानीय नागरिक अपने अपने तरह से तर्क देते हैं। इसको लेकर भाजपा नेता गणेश रावत कहते हैं कि स्थान कुमाऊं और गढ़वाल के अधिकांश जिलों से समान दूरी पर है। रावत कहते हैं कि कई दफा हरिद्वार और देहरादून में हाईकोर्ट की बेंच बनाने की मांग उठी है। रामनगर में हाईकोर्ट बन जाने से ये मांग भी शांत हो जाएगी, क्योंकि रामनगर दोनों जगहों से कुछ घंटे की यात्रा दूरी पर स्थित है। देखिए, जब से हल्द्वानी में भूमि संबंधी समस्या आ रही है, राजस्व भूमि पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो रामनगर की भी एक उचित दावेदारी इसमें हो सकती है, क्योंकि रामनगर में सेलिंग की या अन्य तरह की राजस्व की भूमि काफ़ी मात्रा में मौजूद है, आम पोखरा में, सावलदे में और अन्यत्र स्थानों पर। तो रामनगर एक उपयुक्त स्थान हो सकता है और यहाँ पर हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। और साथ ही जो है, जो कई बार मांग उठती है हरिद्वार में बेंच बनाने की, देहरादून में बेंच बनाने की, अगर रामनगर में हाईकोर्ट होता तो वो बेंच बनाने की मांग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल से लगभग समान दूरी पर यह हमारा हाईकोर्ट होगा। और यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएँ, चाहे रेल मार्ग की, चाहे एयरपोर्ट से नज़दीकी हो, चाहे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सब रामनगर में मौजूद है, तो हाईकोर्ट यहाँ पर उपयुक्त स्थान हो सकता है। वहीं अधिवक्ता पूरन नैनवाल कहते हैं कि कुमाऊं की तलहटी पर और पौड़ी से सटा होने से दोनों मंडलों के केंद्र में स्थित रामनगर सबसे उपयुक्त है। ये जगह सड़क और रेल से जुड़ी होने के साथ ही दिल्ली से भी सीधी आवाजाही है। रामनगर में हाईकोर्ट आने से कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल के वासियों का समय भी बचेगा, साथ ही अवस्थापना विकास के लिए यहां ज़्यादा संभावना है। ऐसे में इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। वो कहते हैं कि यहां सीलिंग की 20 एकड़ से ज़्यादा भूमि भी उपलब्ध है। मामला यह है कि रामनगर जो है, हमारा जो संसदीय क्षेत्र है वह है गढ़वाल पौड़ी, दूसरे नज़दीक में हमारे हल्द्वानी, तीसरा नज़दीक में हमारे काशीपुर ऊधम सिंह नगर, चौथा नज़दीक में हमारा क्या कहता है रुड़की और हरिद्वार, राजधानी हमारी नज़दीक है। यहाँ पर उपलब्ध ज़मीन है जो पीछे कड़करी है, जो सीलिंग की लैंड है सरकार की, जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति सरकार को नहीं होगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी है, यहाँ ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है, यहाँ लिविंग रहने का स्थान सफिशियंट है, क्योंकि यहाँ बहुत रिजॉर्ट हैं और इसलिए हर चीज़ की सुविधा यहाँ है, और जनताओं को, बातकारियों को, सबके लिए सुविधा का केंद्र है। इसलिए हम इसको ये चाहते हैं कि यहाँ पर उच्च न्यायालय यहाँ बने उत्तराखंड का। वहीं अधिवक्ता और राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी कहते हैं कि रामनगर में हाईकोर्ट बने, इसकी मांग भी रामनगर के अधिवक्ता समेत नागरिक संगठन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस मांग को कई क्षेत्रों के बार एसोसिएशन का समर्थन भी मिल रहा है। रामनगर में सरकारी भूमि का प्रयोग इसके लिए हो सकता है। साथ ही हाईकोर्ट आने से रामनगर का विकास भी होगा, क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका होने के कारण रामनगर पर सरकार और प्रशासन की प्रमुखता से जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रभात ध्यानी कहते हैं कि हम क्षेत्रीय विधायक से भी इसको लेकर सरकार के सामने मांग उठाने को कहेंगे। मैं प्रभात ध्यानी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का प्रधान महासचिव। ये माननीय उच्च न्यायालय जो नैनीताल में स्थित है, उसको शिफ्ट करने, नैनीताल जनपद के में शिफ्ट करने की बात की जा रही है, और उसके लिए पहले उन्होंने गोलापार की जगह को चिन्हित किया था, जिसको NGT ने रिजेक्ट कर दिया है। हम पहले से ही कहते रहे कि रामनगर माननीय उच्च न्यायालय के लिए बहुत ही उचित स्थान है। यहाँ पर पर्याप्त जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन है, सीलिंग की जमीन है, आम पोखरा में लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन है जो खाली पड़ी है, जिसमें कोई पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है। और लगातार हमने इसके लिए जन संगठनों
तमाम रामनगर के सामाजिक राजनीतिक संगठनों का साथ भी लिया था। और जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे पक्ष में है कि रामनगर को काशीपुर बार एसोसिएशन, जसपुर बार एसोसिएशन, हरिद्वार, देहरादून सारे उनका हमको समर्थन प्राप्त है। कोटद्वार के लोग सब चाहते हैं कि यहाँ पर हो। और रामनगर गढ़वाल कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, नैनीताल जनपद का एक हिस्सा है, प्रमुख स्थान है। और सबसे बड़ी बात है कि गढ़वाल लोकसभा का क्षेत्र का भी एक प्रमुख स्थान है। तो इसलिए रामनगर हर तरह से यहाँ पर सारी जो भी मानक है उच्च न्यायालय के, वो 18 से 20 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। एनजीटी ने कहा कि मल्टी स्टोरी बनाइए, उसके लिए पर्याप्त है। रेल की कनेक्टिविटी है, बस की कनेक्टिविटी है, पानी पर्याप्त है, नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ ऐसा है। तो सारी जितनी भी फिजिकल हो, पर्यावरणीय हो, वो सारे मानकों को रामनगर पूरा करता है और केंद्र में है। इसलिए रामनगर को हम चाहेंगे कि रामनगर में हो, इसके लिए हमारी कोशिश हो गई। ये हमारे रामनगर के पक्ष में सबसे बड़ी जो परेशानी है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, उनका साथ आज तक नहीं मिल पाया, जिस कारण रामनगर विकास के मायने में पीछे पिछड़ जा रहा है। तो हम लोगों की कोशिश रहे कि माननीय विधायक जी को आगे करके उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री और जहाँ तक भी सेंट्रल में वो हमारी बात को पहुँचाए और रामनगर में हाईकोर्ट के लिए वो पैरवी करें। वहीं अधिवक्ता सुरेश चंद नैनवाल कहते हैं कि रामनगर हर तरह से सुविधाजनक है। रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे की सुविधा सहित निकट पंतनगर में हवाई सेवा भी उपलब्ध है। वातावरण की दृष्टि से भी रामनगर एक उचित स्थान है। खानपान सहित रहने की सुविधा भी अन्य स्थानों से यहां अधिक उपयुक्त है। वो कहते हैं कि रामनगर क्षेत्र में हाईकोर्ट खुलने से जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा। रामनगर क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, जो कि मैदानी, तराई, भाबर क्षेत्र से जुड़ा होने के चलते कार्यों की आसानी से पहुंच वाला है। यहां से बस और ट्रेन की सीधी कनेक्टिविटी है। साथ ही वातकारियों के रहने खाने के लिए सस्ते होटल, धर्मशालाएं भी हैं। क्षेत्र में हाईकोर्ट खुलने से रामनगर और आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा, साथ ही विकास की अपार संभावनाएं होंगी। रामनगर उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए बेहतर विकल्प है। पूरन सिंह बोहरा, हमने आज से पहले इस संबंध में माननीय जिलाधिकारी नैनीताल और शासन उत्तराखंड मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन को भी हमने पत्र व्यवहार किया है, क्योंकि हम रामनगर इसलिए चाह रहे हैं। अगर हल्द्वानी में भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी तो वहाँ एनजीटी और मतलब फॉरेस्ट के वहाँ से केंद्र से अगर मना कर दिया गया है तो मेरे हमारे हिसाब से रामनगर केंद्र है कुमाऊं और गढ़वाल का, क्योंकि हमारा ये लोग विधानसभा जो क्षेत्र आता है ये कुमाऊं में आता है और संसदीय क्षेत्र जो आता है पौड़ी गढ़वाल में आता है। और यहाँ से यहाँ रेजिडेंसी की, यातायात की और टाइप का काफ़ी सुविधा है। और दूसरा हमारे पर्वतीय क्षेत्र रानीखेत, हल्द्वानी, काशीपुर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और ऋषिकेश, इन लोगों को भी यहाँ सुविधा है। वो लोग भी हमारे द्वारा उनसे संपर्क किया गया था तो वो लोग भी हमारा समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार और रानीखेत के ये रानीखेत और ऋषिकेश के कुछ लोगों का भी हमारे पास फोन आता और काशीपुर वाले भी इसमें हमारा समर्थन करने आ रहे हैं कि रामनगर वास्तव में केंद्र बिंदु है पौड़ी और गढ़वाल का, इसलिए और यहाँ उचित व्यवस्था भी है और 20 एकड़ करीब राजस्व भूमि है शिलिंग की, यहाँ पर आम पोखरा में पिरुमदार के पास, और इसलिए केंद्र है और यहाँ सबको सुविधा होगी।